हरे कृष्णा, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर अब तक आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 ही देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करता अपना पार्ट 2। बच्चों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। हम इस टॉपिक का एक एक लाइन कवर करेंगे कि हमें सारी टॉपिक्स जो है, पॉइंट्स जो है, वो ईजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इन 16 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन इजाबेथ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि ट्रेड करती है, यानी कि जो कि व्यापार करती है इंग्लैंड में, ठीक है। उसने चार्टर लिया क्वीन इजाबेथ से। अब वो चार्टर मतलब होता है बच्चों परमिशन ली क्वीन इजाबेथ से, जो कि इंग्लैंड की रानी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या परमिशन ली उन्होंने। आई ग्रैंटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उन्होंने ये परमिशन ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की रानी से कि हम ही सिर्फ जाएंगे ईस्ट में ट्रेड करने और कोई कंपनी नहीं जाएगी। दिस मीन डैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड बी कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, यही उन्होंने चार्टर लिया। ईस्ट मतलब इंडिया ईस्ट में ना, कि सिर्फ इंग्लैंड से सिर्फ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी व्यापार करने, ठीक है बच्चों। उन्होंने ये चार्टर लिया, चार्टर मतलब परमिशन ली। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड बेनिफिट अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाई गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल द हायर प्राइस। इससे क्या होगा कि वहाँ पर वो चीप प्राइसेस में खरीदेगी और यूरोप की साइड जाके वो हायर प्राइसेस में देगी। बेटा चीप मतलब होता है वो सस्ते में खरीदेंगी और यूरोप साइड में जाके वो उन्हें महंगे में देखेंगी। इससे उनसे क्या होगा, इन्हें फ़ायदा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डिड नॉट हैव ए फेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। देखिए, अब जब उन्होंने इंग्लैंड से बोला कि सिर्फ हम ही जाएंगे इंडिया में व्यापार करने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लैंड जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी ना, उनसे तो उनका कॉम्पिटिशन ख़त्म हो गया। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड अ प्रॉफिट प्राइमली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन सो डैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। देखिए, अब मर्केंटाइल क्या होता है। मर्केंटाइल होता है जो व्यापार करते हैं, जो इधर से सामान खरीदते हैं सस्ते में और दूसरी जगह जाके महंगे में बेचते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जो था, जो दूसरी भी कंपनियां थी वो क्या करते थे। मर्केंटाइल का मतलब इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यह है मर्केंटाइल का मतलब, कि आपको और क्लियर हो जाए। अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमली थ्रू ट्रेड। देखिए, मैंने आपको कहा ना वो, कि जो हमें बिजनेस है उससे जो है वो इजीली व्यापार करा सकें। बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट ए हायर प्राइस, मतलब सस्ते में सामान खरीदते हैं और दूसरे देशों में जाके वो महंगे में उसे बेचते हैं। मतलब इस पूरे मर्केंटाइल, मतलब इस पूरे बॉक्स में मर्केंटाइल का मतलब ये समझा रहे हैं कि ये बिजनेसमैन होते हैं, वो इधर से सामान जो है सस्ते में खरीदते हैं, दूसरी जगह वो जाके महंगे में बेचते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों मर्केंटाइल, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम इंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। देखिए, एक रॉयल चार्टर जो है वो यूरोपियन पावर्स करता है, मतलब वो यूरोपियन वाले जो था, इनमें कॉम्पिटिशन होता रहता है। जो यूरोपियन पावर्स है ना, वो एंटरिंग करती है ईस्टर्न मार्केट्स में। बाई द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और जो फर्स्ट शिप जो है वो सेल्ड हुई थी कोस्ट ऑफ अमेरिका में, राउंड ऑफ कैप गुड होप एंड क्रॉस्ड इंडियन ओशन, और इसी शिप से उन्होंने इंडियन ओशन जो है क्रॉस्ड किया था। द रिपब्लिक हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने जो है ऑलरेडी वो जो है प्रेजेंस दे रखा था अपनी इंडिया में, कोस्ट में, ठीक है। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने अपना जो बेस रखा था वो गोवा में रखा था, गोवा में, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज वैसो द गेमर ऑफ पर्जर एक्सपोर्ट हु हैड डिस्कवर्ड द सी रोड ऑफ इंडिया इन 1948 में। मतलब देखो, इस पूरी लाइन का मतलब जो है ना, यहाँ से जो हमने पढ़ा है, वो कहने का मतलब है कि जो इंडिया में जो ओशन का रास्ता निकला था ना, वो जो था वो निकला था, और उसका नाम रखा था वेसो द गेमर, और वो निकला था 1498 में। किस में निकला था? 1498। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी होगी, ओके बच्चों। By the earlier 17th century, the Dutch too were exploring the promontory to trade in the Indian Ocean. Soon the French trades arrived on the scenes. देखिए,
वो कहता है इस लाइन का मतलब कि 17th सेंचुरी में द डच वर एक्सप्लोरिंग द प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब ये लोग जो है इंडियन ओशन में ट्रेड कर रहे थे और वहाँ पे ही जो है फ्रेंच ट्रेड जो है उनका सीन बन गया कि चलो हम भी चलते हैं वहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है बच्चों, चलिए। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कंप्लेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। देखिए हर कोई ना, हर सारी कंट्री जो थी वो एक ही चीज़ को खरीदने में लगी रहती थी। The fine quality of cotton silk provided in India had a big market in Europe. और वो कौन सी चीज़ थी? देखिए कॉटन और सिल्क जो है वो बिग मार्केट होती है यूरोप में, जो वो यहाँ से मतलब इंडिया से खरीदते और यूरोप में जाके वो महंगे में बेचते हैं। पेपर, क्लोव, कार्बन एंड कार एंड सीमोन टू वर इन ग्रेट डिमांड। और ये जो है ना जो पेपर, क्रोप और ये है सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ही ग्रेट डिमांड में बिकती हैं। कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोप कंपनियंस इन्वेंटिवली पलब्ड अप द प्राइजेस, ठीक है, एट विच दीज गुड्स कुड परचेस्ड एट दिन रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड। द ओनली वे ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज कुड द फुलिश ऑफ द अमेरिकन द रिवल कॉम्पिटिशन। देखिए इन सारी कंट्रीज़ में ना, जैसे दूसरी कंट्रीज, इन सब में कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा कौन प्रॉफिट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंडिया में जो दुकानें होती थी ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। कैसे होता था? जैसे बहुत सारे बंदे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ पेन है, ये पेन है मेरे हाथों में, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ लाइनें कि कैसे, मतलब उनका मतलब क्या है। देखिए मैंने हाथ में एक पेन है और इस पेन को ख़रीदने के लिए ना बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज से लोग खड़े हैं कि ये पेन हम लेंगे, ये पेन हम लेंगे। तो जैसे मान लो, वैसे जब पहले इतने सारे लोग नहीं होते तो ये पेन जो सेलर था वो इसे 10 रुपीज़ में अच्छे से दे देता था, बट जब इतने सारे लोग उस पर आए यही पेन खरीदने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने समझदारी की, उसने कहा चलो मैं इस पेन को महंगे में बेचता हूँ। जहाँ वो पहले 10 का बेचता था, उसने वो पेन कितने का कर दिया, 20 का कर दिया, उसका प्रॉफिट तो डबल हो गया ना, समझे। तो क्या होता था, जो लोग खरीदने आते थे ना, उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता था, समझे। ओके, The roots of silver markets therefore led to fire battles between the trading companies। और जैसे मैंने आपको कहा ना, इनमें कॉम्पिटिशन लगा रहता था, तो लोग बच्चों क्या करते थे, बैटल्स भी लड़ते थे। बैटल्स मतलब वो लड़ाइयाँ नहीं होती, वार करते थे वो। थ्रू द 17th एंड द 18th सेंचुरी देयर वर रेगुलरली स्नेइंग ईच अदर शिप्स। और ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये जो है ये यूरोपियन की शिप है, ठीक है, जिसमें ये लोग अपना सामान भर के और लेके जाएंगे अपनी कंट्री, और ये जो शिप है ये फ्रांस की है, ठीक है, इसमें भी ये लोग क्या करेंगे, अपना सामान है जो भर के लेके जाएंगे। इसमें क्या करते थे, जहाँ की शिप खड़ी होती थी ना, वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते थे, समझ गए। तो शिप्स को भी अटैक करते थे कि अगर उनकी शिप ख़राब हो जाए तो वो अगली बार ना आ पाए यहाँ पे सामान खरीदने। ब्लॉक्ड रोड्स एंड प्रिवेंटेड रिवल शिप्स फ्रॉम मूविंग द विथ सप्लाइज ऑफ गुड्स ट्रेड, एक मिनट, हाँ, गुड्स ट्रेड वर कैरेड ऑन द आर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट एंड प्रोटेक्टेड टू फॉर्मिनेशन। मैंने जैसे आपको कहा कि वो जो है ना शिप्स में वार कर देते थे, शिप्स के जो रूट होते, जैसे मान लीजिए शिप है, ठीक है, ये यूरोप की शिप है और ये फ्रांस की शिप है, ठीक है, जैसे मान लो ये यूरोपी की शिप है और ये शिप यहाँ खड़ी है, ये अपनी सामान लाएंगी, यहाँ भरेंगे और इनका रास्ता जो है यहाँ से जाएगा, और ये फ्रांस की शिप है, इनका रास्ता जो है वो यहाँ से जाएगा। तो क्या करते, जैसे ये लोग एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक कर दे, जैसे यूरोपी है वो फ्रांस का रास्ता ऐसे यहाँ पे ब्लॉक कर दे क्योंकि वो यहाँ से जा ही ना पाए, समझे। और क्या होता था, जब वो अपना सामान खरीद लेते थे ना, जब अपने सामान, मतलब सामान को बोलता है बच्चों गुड्स, जब वो अपना सामान खरीद लेते थे ना, वो क्या करते थे, The trade was carried on with arms and trading post were protected through fortification। और वो क्या करते थे, हथियारों से लड़ते थे, ठीक है, कैरियर मतलब हाथ में हथियार रखे वो लड़ते थे। और बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फॉर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए ये जो है यूरोपियन की शिप है, ठीक है, अब इन्हें जो है इन्हें यहाँ पे अपना जो गुड्स है वो रखना है, मतलब अपना सामान रखना है जो कि इन्हें अपनी कंट्री में ले जाना है। तो ये क्या करते थे कि जो फ्रांस की हमारी शिप है वो इस पर ना वायर करें, यहाँ पे ना ऐसे 3-4 लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है, इसे प्रोटेक्ट करें इस फिश को, समझे बच्चों। तो इसे हम फॉरिनेशन को, अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो इसको हम बोलते हैं, वो अपनी शिप के आसपास वो जो थे किला बना लेते थे, ठीक है, बड़ा सा किला बना लेते थे। दिस अफेक्टिव कॉम्बिनेशन सेलिमेंट्स एंड कैरी ऑन द प्रॉफिट ट्रेड ऑल्सो लेट इंसेक्ट कॉन्वर्सेशन विद लोकल्स रूलर। और लोकल्स रूलर्स को ना इसमें बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, मैं बताती हूँ कि उन्हें कैसी दिक्कत होती थी।
देखिए, अगर मान लीजिए आप जैसे आप इंडिया में रहते हो और वहाँ पे इतने बैटल्स लड़े, आपके घर के अंदर आए और बोले रेड बैटल्स लड़े हैं ना, लड़ाइयाँ करें, आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी ना दिक्कत। तो ऐसे ही लोकल रूलर्स को भी बहुत दिक्कत होती थी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। और फिर क्या हुआ, इन्होंने सेपरेट जो है ट्रेड कर दिया पॉलिटिक्स में। और अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि वो कैसे हुआ, ठीक है? और आगे का टॉपिक हम अगले सेक्शन में देखेंगे, जो कि है ईस्ट इंडियन कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ये होगा बच्चों आपका पार्ट 3। और पार्ट 2 में हम लोग अपना कवर कर चुके हैं क्या कौन सा टॉपिक था, हाँ, ईस्ट इंडियन कंपनी कम्स ईस्ट, कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो ईस्ट में आती है। मैंने आपको एकदम ये टॉपिक जो है क्लियर करवा दिया है। और आज था हमारा पार्ट 2। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3। और बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर जरा सा भी क्लियर होता है तो प्लीज़ ज्ञान कक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, सिर्फ 27 सब्सक्राइबर्स है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो ज्ञान कक्षा चैनल ओपन हुआ है वो 2022 में ही हुआ है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट। एंड टिल देन स्टे ट्यून। हरे कृष्णा, राधे राधे।